नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान को मुंबई पुलिस ने आर्म्स लाइसेंस दे दिया है। सलमान खान को ये लाइसेंस सेल्फ डिफेंस के लिए दिया गया है। सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को हाल ही के दिनों में जान से मारने की धमकी दी गई थी। 5 जून को सलीम खान सुबह जॉगिंग करने गए थे और उन्हें एक पत्र मिला था जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। वो पत्र हिंदी में था और उस पत्र में लिखा गया था कि सलमान खान तेरा मूसे वाला बना दिया जाएगा। इसके बाद से बॉलीवुड के अंदर खौफ का माहौल था और सलमान खान ने इस लेटर के मिलने के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी और उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की थी। इसके बाद सलमान खान ने आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और इसी के ऊपर कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस ने सलमान खान को आर्म्स लाइसेंस जारी किया है। आपको बता दें कि 5 जून को सलमान खान को धमकी भरा पत्र मिला था। इससे पहले 29 मई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इन घटनाओं की वजह से बॉलीवुड के अंदर खौफ का माहौल था। खबरें ऐसी भी हैं कि सलमान खान ने धमकी भरा पत्र मिलने के बाद बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर गाड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब सलमान खान को आर्म्स लाइसेंस मिल गया है। इसके बाद माना जा रहा है कि सलमान खान अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं है जब सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। 2018 में भी काले हिरण के शिकार के मामले में जब सलमान खान फंसे हुए थे तब भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई समाज से आते हैं और बिश्नोई समाज जो है वो काले हिरण को बहुत ही पवित्र मानता है और सलमान खान के ऊपर काले हिरण का शिकार का आरोप लगा था। इसी वजह से गुस्से में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को इस तरह की धमकी दी थी। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम ताजा अपडेट्स जानने के लिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।